नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल टेक फिट अध्ययन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज के वीडियो का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका उत्तर है राजस्थान। इन परियोजनाओं में लगभग 1127 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इससे पहले गडकरी ने 21 दिसंबर को तेलंगाना को कुल 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी थी। एक नज़र डालते हैं राजस्थान की बाकी चीज़ों पर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र। इसका उच्च न्यायालय जोधपुर में है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। विधानसभा की 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें हैं। नेशनल पार्क यहाँ पे मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है, डिजर्ट नेशनल पार्क है, रैंथमबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। और राजस्थान की राजधानी जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है? और इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल की बात आई है तो हिमाचल के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसका स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं भाजपा के। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल 12 जिले हैं। विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें हैं। और यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश का दूसरी राजधानी भी कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर शिमला है। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका उत्तर है 24 दिसंबर। यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके महत्व, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में MRSM मिसाइल का परीक्षण किस राज्य में किया गया है? और इसका उत्तर है उड़ीसा। तो चलिए जान लेते हैं उड़ीसा के कुछ चीज़ों के बारे में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं और यहाँ का उच्च न्यायालय उड़ीसा में है। यहाँ पर कुल 30 जिले हैं। विधानसभा की 147 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ का नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। और उड़ीसा में तीव्र चक्रवात आते रहते हैं और सबसे तीव्र चक्रवात उष्णीय कटिबंध चक्रवात 5B 1 अक्टूबर 1999 को आया था, जिसके कारण जान माल का गंभीर नुकसान हुआ था और लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में दिल्ली में रसोई कैंटीन का शुभारंभ किसने किया? और इसका उत्तर है गौतम गंभीर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कैंटीन में जरूरतमंद लोगों के लिए सिर्फ 1 रुपये में खाना उपलब्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DTH सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? और इसका उत्तर है 100%। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बाहर की कंपनियाँ होती हैं और इंडिया में आकर इन्वेस्ट करती हैं और जो भी मुनाफा होता है उसको लेकर अपने देश वापस चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए फ्रूट पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? और इसका उत्तर है कर्नाटक। चलिए एक नज़र डालते हैं कर्नाटक के ऊपर। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। BS येदियुरप्पा भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं वजूभाई वाला और उच्च न्यायालय है कर्नाटक में। कुल 30 जिले हैं। विधानसभा की 225 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। और यहाँ पर बंदीपुर नेशनल पार्क है, नागरा होल, राजीव गांधी नेशनल पार्क। कर्नाटक पहले मैसूर राज कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
और इसका उत्तर है वेंकैया नायडू। इस पुस्तक को श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, इसरो ने हाल ही में किस संस्थान में एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र अंतरिक्ष RACS स्थापित करने की घोषणा की है, और इसका उत्तर है वाराणसी IIT, और इसको BHU भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उद्योग मंडल SOCHM के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाल लिया है, और इसका उत्तर है विनीत अग्रवाल। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है, और इसका उत्तर है मार्च 2021। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।